हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे सन लविंग प्लांट्स। तो पहला प्लांट है हमारा ही यूफोबिया मिलिका। देखिए ये हमारे यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसमें भी कितना अच्छे से थ्राइव कर रहा है। देखिए इसके कितने सुंदर पिंक फ्लावर्स है। और इसी में और एक वेराइटी है, इसके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन होते हैं और बाद में पिंक होते हैं। अगला प्लांट है हमारा ये बेबी सनरोज का। इसके पत्ते भी काफ़ी सुंदर होते हैं और ये सन लविंग प्लांट है। इसको पिंक कलर के ये छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, सुंदर दिखते हैं। अगला प्लांट है हमारा ये गोमफेना का। इसके मैंने कुछ सीडलिंग्स किए हैं, अभी ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम भी करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्लूम भी कर रहे हैं। इसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं, छोटे छोटे बॉल्स की तरह। हमारा अगला प्लांट है ये सैंचिजिया का। ये सन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और हरा भरा रहता है, तो ये प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। हमारा अगला प्लांट है ये बल्ब्स। ये एमरिलिस के हैं, ये पीच कलर की वैरायटी है। ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं, देखिए सन में कितने अच्छे से ये ब्लूम हो रहे हैं और बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, देखने में काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं। तो ये प्लांट भी आप सन में लगा सकते हैं। अगला प्लांट है ये हमारा देसी विनका। हाँ जी, देसी विनका। हाइब्रिड विनका को आप सन में नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन देसी विनका पूरा दिन के सनलाइट में रह जाता है। और इसमें दो वैरायटीज़ आती है, पिंक और ये वाइट। काफ़ी सुंदर दिखता है, इसके पत्ते भी ग्रीन ग्रीन ही रह जाते हैं और बहुत फ्लावरिंग करता है ये समर में। अगला प्लांट है हमारा कनेर का। आज तो फ्लावर्स कम है क्योंकि पूजा के लिए तोड़े हुए, बट ये काफ़ी सुंदर दिखता है समर में और बहुत सारे फ्लावर्स से भर जाता है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये वाला रेड कनेर है, कुमकुम कनेर। ये काफ़ी सुंदर फ्लावर है, इसके पत्ते भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगला प्लांट है हमारा ये जीनिया का। ये जीनिया का सन लविंग वैरायटी है ये, क्योंकि ये देसी वैरायटी है तो ये सन में अच्छे से थ्राइव कर लेता है। अगला प्लांट है ये हमारा चंपा। तो ये देखिए इसमें कितने सारे वैरायटीज और कलर आते हैं, और यहाँ पे ये देखिए पूरा फूलों से भर चुका प्लांट है ये। हमारा अगला प्लांट है ये जैस्मिन या मोगरे का, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग पे है। और अभी तो इसकी शुरुआत है और बहुत समर में पूरा फ्लावर से ये भर जाता है। तो देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं। अगला प्लांट है हमारा ये वेडलिया का। ये देखिए इतने सारे धूप में भी ये कितना हरा भरा है। ये देखिए यहाँ पे इसको एक फ्लावर आ चुका है और इसके येल्लो कलर के फ्लावर्स आते हैं। अगला प्लांट हमारा ये डेकोरेटिव प्लांट है, जिसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये काफ़ी सुंदर दिखता है समर्स में और ग्रीन भी रहता है। अगला प्लांट है हमारा ये जेट्रोफा का। इसको समर्स में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये पिंक कलर के सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर गुच्छे में आते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है। और आप देख सकते हैं इसके पत्ते को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है सन का, ये काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा है। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगाया हुआ है ये कटिंग। बाय द वे मैंने साथ ही ऑनलाइन प्लांट से खरीदी थी और ये काफ़ी बड़ी होगी। अगला प्लांट है हमारा एक गार्लिक वाइन का। अभी भी तो मेरा छोटा प्लांट है, बट सन में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगला प्लांट है ये मॉर्निंग ग्लोरी। ये मैंने अभी सीडलिंग्स की है और ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है, आप देख ही सकते हैं। इसको इस तरीके से फ्लावर्स आ जाते हैं और ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स। हमारा अगला प्लांट है ये अशोका। इसको इंडियन कल्चर में काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये प्लांट काफ़ी हाइटेड भी बढ़ता है और ट्रायंगुलर शेप ले लेता है, ये काफ़ी सुंदर और हरा भरा रहता है। अगला प्लांट है हमारा ये पेंटास का। पेंटास तो आपने देखे होंगे कितने सुंदर होते हैं, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है फिर भी ये कितना अच्छे से ग्रीन ग्रीन है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अगला प्लांट है ये एस्पैरागस। एस्पैरागस तो सन लविंग प्लांट है, ये सन में काफ़ी अच्छे से रह लेता है और आप इसको सन में भी डिवाइड करके लगा सकते हैं तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मरेगा ही नहीं, वो अच्छे से उसकी ये कटिंग्स लग जाएंगी। इसको कटिंग के लिए छोटे छोटे बल्ब से पास करता है।
अगला प्लांट इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, ये पर्सलिन या मॉस रोज पोर्टुला का, ये भी मैंने कटिंग्स लगाई है और ये काफ़ी सुंदर से ग्रो कर रही है। ये इस ट्रावर में हम, ये पर्सलिन का ट्रावर है। अगला प्लांट है ये हमारा ब्लैक आइड सुसैन। तो ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसको स्प्रिंग में और समर में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो इसको इस तरीके से, अरे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अभी तो मेरे प्लांट को फ्लावर नहीं है बट जल्दी आ जाएंगे। अगला प्लांट है हमारा ये मिनी चांदनी या क्रेप जैस्मिन का, ये काफ़ी सुंदर होता है और इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं चांदनी की तरह। ये प्लांट भी आप समर में बहुत फ्लावरिंग करता है, तो आप आपके घर में लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वेटिंग है हाँ फुटबॉल लिली का, तो चलिए कुछ कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।